नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे VTV लोग चैनल। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है कि हम अच्छी जगह के वीडियो दिखाते हैं, अच्छे इंसानों के वीडियो दिखाते हैं, अच्छे हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उससे पूछताछ के जानकारी के वीडियो दिखाते हैं। तो इसके माध्यम से हम हमारे चैनल के माध्यम से आज हम एक जैसे हमारे सामने जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल से बुजुर्ग लोग हैं, और जैसे ठाकुर साहब है, उनका मैं नाम परिचय भी आपको दर्शकों को बताऊंगा। और मैं तो नाम जानता हूं, हमारे सामने जो ये तस्वीर दिख रही है उनका नाम जैसे निरान सिंह जी राठौड़ साहब है। तो बहुत बहुत सबसे पहले तो निरान सिंह का धन्यवाद और आभार व्यक्त, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से ये हमारे सामने आज विराजमान है। और इनकी कितनी आयु है अभी और वर्तमान में ये क्या काम किया था और जैसे किसी रास्ते पर चले थे और क्या क्या जैसे इंसान में अच्छे दिन भी आते हैं और मुसीबत भी आती है वो पार करके उसने बहुत सारी हकीकतें देखी हुई है। तो उसके विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे और दर्शकों को बताएंगे कि कौन से रास्ते पर चलना सबसे अच्छा होता है। तो इसके विषय में हम दर्शकों को दिखाते हैं और चलो हम मिलते हैं निरान सिंह जी राठौड़ से और थोड़ा राम रमी करते हैं और परिचय करते हैं। ठाकुर साहब राम राम साहब। राम राम। राम राम। और सबसे पहले तो दर्शकों को आप ऐसा करिए कि अपना नाम परिचय बता दीजिए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम निरान सिंह है। निरान सिंह जी। पिताजी का नाम श्री सोपाल सिंह जी है। निरान सिंह जी स्नोप सोपाल सिंह जी राठौड़ बता रहे हैं, ऐसा ही तो है? हाँ। अच्छा निरान सिंह जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है आपको कि हमारे से आप बातचीत कर रहे हो। और हम ये पूछना चाहते हैं कि निरान सिंह जी, आपकी आयु कितनी हो गई? आयु मेरी 72 साल पूरे हो गए। 72 साल पूरे हो गए। अच्छा 72 साल पूरे होकर 73 साल लगे हैं। हाँ। अच्छा डेट ऑफ बर्थ 4 नवंबर 1950 है। अच्छा और निरान सिंह जी लड़के कितने हैं आपके? दो लड़के हैं। लड़की? एक लड़की है। एक लड़की भी है। दो लड़के हैं, एक लड़की भी है। लड़के सर्विस करते हैं क्या कोई? नहीं, प्राइवेट काम करते हैं। हाँ, निरान सिंह जी आप सर्विस करते थे क्या? हाँ मैं सर्विस करता था। पहले तो पढ़ा था, गांव की स्कूल में पढ़ा था मैं। अच्छा। चौथी पांचवी तक थी। अच्छा। उसके बाद में फिर हमारे यहाँ छोटी स्कूल थी, प्राथमिक स्कूल थी। हाँ। उसके बाद में मैं बहुदूसर उपाध्यान है। अच्छा। हम जाते थे। आपकी प्राथमिक शिक्षा तो यहाँ राजासर बीकान में ही हुई थी? हाँ। दोस्तों ये निरान सिंह जी राठौड़ है वो राजासर बीकान के रहने वाले हैं, वर्तमान में यहीं रहते हैं। और ये सर्विस करी थी गवर्नमेंट की सर्विस कौन सी पोस्टिंग में निरान सिंह जी आती? गवर्नमेंट की सर्विस थी, वाटर्स की थी। हाँ। पोस्टिंग थी PHT पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अच्छा। वाटर्स बोलते हैं जिसको मारवाड़ी में हिंदी में वाटर्स बोलते हैं और इंग्लिश में इसको PhD कहते हैं वैसे। तो दर्शकों हमने निरान सिंह जी से क्यों जोड़ा है हमारे यूट्यूब पर और कैसे जोड़ा है इसके विषय में हम आपको जानकारी बताएंगे कि हम इसलिए जोड़ा है कि जैसे हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनसे हमें अच्छी राह पकड़नी है कि अच्छी राह पर चलने चाहिए। तो हम उनसे बातचीत ये करेंगे कि ये कौन से रास्ते पर चले और कैसे ये गृहस्थी आश्रम है उनसे चलना चाहिए और कैसे जैसे हमारे जैसे मनुष्य है उसको क्या क्या करना चाहिए और क्या अनुभव इसने देखा है, ये इसके विषय में हम दर्शकों को बताएंगे, अच्छी राह बताएंगे आपको इसके विषय में। आपको भी पकड़नी है कि निरान सिंह जी क्या बता रहे। तो निरान सिंह जी आपकी जैसे बच्चों से लेकर आज तक वृद्ध अवस्था अभी है आपकी, तो आपने क्या अनुभव देखा संसार में, कैसे चलना सिखाया, कैसे चलना चाहिए, ये दर्शकों को बता दीजिए। जैसे बदूसर में 8वीं तक पास की मैंने, उसके बाद में मैंने सरदार शहर अपने मॉडर्न स्कूल है प्राइवेट, उसमें 7वीं 8वीं वहाँ की मैंने। उसके बाद में फिर गवर्नमेंट स्कूल में जो अपने हाई स्कूल है ताल में वहाँ मैंने 9वीं और 10वीं की।
तो 10वीं पास नहीं कर पाया मैं, उसके बाद में हमने छोड़ दी। हमारे पिताजी ने कहा कि पढ़ लो और वो पढ़ना नहीं पढ़ेंगे, कोई धंधा करना है, हाँ काम ही करेंगे, वो पढ़ाई तो नहीं करेंगे। उन्होंने तो पिताजी ने कहा भी पढ़ लो और ठीक रहेगा, हमको पढ़ना नहीं है। फिर हमने क्या है एक दो जगह घूमे फिरे भी, अपने सर्विस लगने के लिए जैसे अपने मिलिट्री की होती है भर्ती बुर्ती, वहाँ गए हम, जैसे जोधपुर गए वहाँ एक दो जगह गए, लेकिन वहाँ नहीं हमारी सर्विस नहीं लगी, हाँ सर्विस नहीं लगी। फिर मैंने क्या किया, हमारे दादू भाई थे जो चलो निरंजन सी, ये हाँ। तो बात बहुत लंबी चौड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी, हम ये आपसे इतना ही दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं कि आपकी जो बचपन की आयु थी उसमें आज में टाइम में कितना परिवर्तन हो गया। परिवर्तन बहुत हो गया, हमने बचपन में क्या है जैसे पढ़ने में ध्यान तो पूरा दिया नहीं, उसके बाद में वो नहीं, पहले के जमाने में इंसान एक दूसरे इंसान से कोई रामरमी रखनी है वो रखनी है ये करते थे, हाँ उस टाइम तो रामरमी करते थे, हम भी बुजुर्गों से रामरमी है और करते थे, लेकिन आज के टाइम में जैसी है वो रामरमी आजकल इंसान को इंसान समझते नहीं है, बच्चे लोग नहीं समझते, बच्चे क्या है जैसे और दूसरे भी है उनका भी स्वभाव बहुत बदला हुआ है, स्वभाव बहुत बदला हुआ, रामरमी कुछ करते नहीं है करके। तो है। आप ये बता दीजिए कि आजकल के जमाने में जैसे इंसान से इंसान एक मिलजुल कर चले गए तो फायदा है कि घाटा है? हाँ मिलजुल चलने से फायदा ही है, फायदा है, हाँ मिलजुल चलने से फायदा है, मेलजोल रखना ही अच्छी बात है, वही स्वाभाविक होना चाहिए, हाँ और उसमें परिवार से मिलजुल कर चलना, हर गांव के व्यक्ति से मिलजुल कर चलना, यह इंसान के एक बड़ा फायदा है, हाँ क्योंकि हर मुसीबत में वो जो मिलजुल कर चलने वाले वो साथ मिल जाते हैं, ऐसा ही तो है, हाँ मिलजुल के में फायदा होता है जैसे, लेकिन आजकल क्या है मेलजुल का टाइम है नहीं, लोग स्वार्थ से ज्यादा समझने लगे, स्वार्थ है तो मेलजुल कर लिया नहीं से वो करते नहीं, हाँ करते नहीं, स्वार्थ करते नहीं है। तो यह दर्शकों निरान सिंह जी ये बता रहे हैं दर्शकों को, आपको बता सो ये चुनौती, हाँ। ये संदेश पहुंचा रहे हैं अच्छे संदेश, क्योंकि अभी फागुन का महीना चल रहा है और होली का टाइम है, तो हमें सोचा कि निरान सिंह एक जैसे बड़े बुजुर्ग आदमी है हमारे व्यक्ति है गाँव के, तो उनसे थोड़ा संपर्क करे। और निरान सिंह जी पहले के ज़माने में जब फागुन आते थे तो जैसे नाचा कूदा होना, जैसे आप हमारे जैसे राजपूतों का गांव है तो नाचा कूदा होना, संग संग बाजना, ये प्रेम के होली होती थी, तो आज वो प्रेम नहीं है क्या? हाँ वो प्रेम नहीं है, उस टाइम तो हम जब होली आती थी तो बहुत तगड़ा प्रोग्राम संग, मतलब है महीने पहले ही वो संग वाले क्या है बजाने शुरू कर देते, संग होती है होती और है। उसको सुनने के लिए जाते थे, हाँ बहुत जाते थे, बहुत ही हमारा भी ये देखा हुआ है, संग बजते तो हम भी सुनने के लिए जाते, और आज बजते नहीं है पहल पत्र में तो, हाँ बजते और बजते है तो वो सुनने के लिए जाते नहीं है, हाँ, जाते और वो लड़कर इधर उधर हो जाते हैं, हाँ, तो ये ठाकुर साहब भाई आमजन को ये संदेश दे रहे हैं कि प्रेम की होली होती है, प्रेम होली पर प्रेम रखना जरूरी है, होली के प्रति आप क्या संदेश ये देना चाहते हो? होली के लिए संदेश यही देना चाहते हैं भी प्रेम रखना चाहिए, होली जैसे पहले वाला माहौल है वैसे बनाना चाहिए, उसमें फायदा है, मेलजोल में फायदा है। तो दर्शकों ये हमारे ठाकुर साहब कितनी बड़ी गहरी बात बता रहे हैं कि जैसे पहले वाला जो प्रेम है वो वापिस बनाने की कोशिश करे, एक दूसरे लोग कोशिश करेंगे तब वो पहले वाले प्रेम है वो बनेंगे, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा बैर विरोध फैल जाएगा, उससे आम इंसान के घाटे का नुकसान का मेलजोल में फायदा रहता है, लेकिन आजकल क्या है मेलजोल रखते नहीं लोग, बात क्या है ज़्यादा दूसरी तरफ ध्यान बहुत देते हैं हाँ। और निरंजन सिंह जी एक अब थोड़ी बहुत आप क्योंकि ऐसी जैसी टाइम है ऐसी ही बात करेंगे कि नशे पत्ते की लाइन की बात करेंगे, आप ठाकुर साहब भी हो कि जो शराब का नशा आमतौर पर हर व्यक्ति के ज्यादा हो गया है, तो शराब का नशा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करने से कितना घाटा होता है वो बता दीजिए दर्शकों को। हाँ शराब का नशा है वो बहुत ही बुरी चीज़ है, नहीं करना चाहिए, इंसान के
इंसान को घाटा है और स्वास्थ्य को भी बहुत नुकसान होता है। तो ऐसा नशा नहीं करना चाहिए। अच्छा, इंसान को शरीर के लिए रोटी और पानी, अच्छा, ये दो चीज जरूरी है। कितनी गहरी बात बताइए डॉक्टर साहब ने हमारे, कि शरीर के लिए नशा न करना चाहिए और शराब का नशा तो हानिकारक होता ही है। और उनसे डॉक्टर साहब एक और नारायण सिंह जी आप बताओ कि शराब के नशे से प्रेमचार है वो भी टूट जाता है। हाँ, टूट जाता है, नहीं, कोई बात नहीं करना चाहता। हम जैसे जो शराब जैसे भी जो भी है हम तो वैसे भी बात करते नहीं। इन जो अच्छे आदमी उन्हीं से संपर्क रखते हैं, और जो जैसे ये बुरी लत है जैसे शराब है, गुटखा है, बीड़ी सिगरेट है, उनसे हम बात नहीं करते हैं। उनसे हम दूर किनारा ही रखते हैं, भाई ठीक है, राम राम जी, राम राम राम, उसके पास खड़े नहीं होते हैं। हम तो जैसे तो अच्छा व्यवहारी कर। सुन जी, आपकी कभी आयु में शराब आपने भी पी थी? नहीं, हमने नहीं पी, कभी नहीं पी। हाँ, शराब नहीं पी, जब अनशन सम थे जब तो कोई मान लो पी लिया, लेकिन इसमें कोई गुण नहीं है। गुण नहीं। हाँ, जब समझ पकड़ने के बाद में, उसके बाद कभी नहीं पी। हाँ, जैसे गांव में हमने छोड़ दिया 36-37 साल सर्विस की, वहाँ हमने ऐसा काम कभी नहीं किया। दर्शकों, हमने फागुन के महीने में जैसे एक ऐसी हकीकत जो सामने आ रही है हर गांव से कि जैसे नशा पता बहुत चल रहा है, इसके विषय में हम ठाकुर साहब से ये थोड़ी चुनौती गिरा रहे हैं कि ये भी एक ठाकुर लोग है, वो शराब के हम पीते ही नहीं थे। और पहले के ज़माने में जैसे कोई रिश्तेदार आ गया, मेहमान आ गया, तब कोई एक आधी बार ही देखी हुई है, पी हुई है, और वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, और अब पीते ही नहीं है। अब तो वो रामनेमी आदमी है और ये शराब के नशे की हकीकत बिल्कुल नहीं है। तो आप लोगों को ये भी कह रहे हैं कि शराब का नशा है वो हानिकारक है, और होली के त्यौहार पर शराब की बहुत ही कंट्रोल रखनी पड़ेगी, क्योंकि शराब एक हानिकारक चीज़ है और शराब पीने से बहुत नुकसान होता है। क्यों ऐसा ही तो है? हाँ बिल्कुल, बहुत नुकसान है। दर्शकों, हम आपको निरान नहीं कहना चाहिए, और सरकार को इस बारे में कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए और हर एक इंसान के स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, सोचना चाहिए। हाँ दर्शकों, हमने अच्छी जानकारी दिलवाई नारायण सिंह ठाकुर से, और आप इसी जानकारी से बहुत बहुत वीडियो को देखना चाहिए, और हमें यूट्यूब के माध्यम से हमारे अच्छे इंसान हैं उसके वीडियो अपलोड करके हम दिखाते हैं और उनसे संदेश दिलवाते हैं कि अच्छी लाइन पर चलना चाहिए। ये बात है नारायण सिंह जी? हाँ जी, अच्छी लाइन पर चलना चाहिए, रस्ते आना चाहिए, रस्ते जाना चाहिए। हाँ हाँ, और आपको ये बात कैसी लगी, हम आपका वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो? हाँ जी, ठीक है, बढ़िया लगी है। हाँ, क्योंकि आपकी बात सुनेंगे तो उनसे बहुत प्रभाव पड़ेगा। हाँ, और हम तो आपको जानते हैं, हमें आपको, आप जानते हो हमें कि हम कैसे हैं, आपको हम जानते हैं कि आप कैसे हैं, लेकिन दर्शकों को हम दिखाते हैं कि कितना अच्छे संदेश देते हैं। अच्छा, जय राम जी की ठाकरा। हाँ, राम राम। अगला वीडियो लेकर हम फिर उपस्थित हो गए। जय हिंद।